इंदौर शहर के बिगड़ते स्वास्थ्य हालात के बीच मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के प्रमुख अतिरिक्त मुख्य सचिव मोहम्मद सुलेमान सोमवार को इंदौर पहुंचे। कोरोना संक्रमण को लेकर देश के प्रमुख शहरों में शुमार इंदौर के हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। जिला कलेक्टर मनीष सिंह को फ्री हैंड देने के बाद भी मरीजों की संख्या और मौतों में कोई विशेष कमी नहीं आई है। लैब करें चाहे सरकारी लैब करें, उसको एक ICMR का पोर्टल है, उस पर एंट्री करनी होती है। हर सैंपल उसका रिजल्ट सब कुछ ICMR के पोर्टल पे आता है। जो आंकड़ा ICMR बताता है वही वैलिड आंकड़ा है। उसके अलावा अगर कोई आदमी कोई आंकड़ा बताता है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। आप बाकी किसी भी आंकड़े को रिलाई करने का कोई वजह नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केवल ICMR की वेबसाइट के आंकड़े को मानता है और वही आंकड़ा हम आपको बताते हैं कि कितने टेस्ट हुए, कितने पॉजिटिव हुए। उसके अलावा अन्य कोई बात हम नहीं बता सकते। सर, इंदौर देश के बड़े हॉटस्पॉट कोई बीमारी का भोपाल में बहुत कम हुआ इसके मुकाबले, तो क्या जो डेटा आपके पास उपलब्ध है उसके मुताबिक कहीं ये आशंका है कि अलग अलग स्ट्रेन वायरस के प्रदेश में है और कम्युनिटी स्प्रेडिंग की आशंका? इसके बाद दो और है ना, बस एक पूछ लेना आपके बहुत हो गए। एक्चुअली ये मूल बात है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि इंदौर से मध्य प्रदेश में अगर किसी दृष्टि से देखा जाए तो वायरस के स्प्रेड की शुरुआत इंदौर से हुई, ऐसा हम लोग रीजनेबल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं। 100% कॉन्फिडेंस के साथ तो कोई बात नहीं कह जा सकती। इनफैक्ट इंदौर से वायरस के इंदौर के ट्रैवलर अब तो छतरपुर, टीकमगढ़, कहाँ कहाँ तक नहीं गया, और इंदौर के आसपास के जिलों में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ। जिस तरीके से इंदौर का शुरुआत में ग्राफ बढ़ा, उसको ये देख के ये कहा जा सकता है कि इंदौर में वायरस की शुरुआत फरवरी माह में कभी हो गई होगी और हम लोग उस टाइम पे टाइमली शायद उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए, तो इसलिए जब आया तो सडनली बहुत ज़्यादा केसेस आए। भोपाल में भी इनफैक्ट शुरुआत में यहाँ से एक डॉक्टर गए जिन्होंने हेल्थ स्टाफ के अमले में उनके थ्रू स्प्रेड हुआ, भोपाल में भी उसका काफ़ी इम्पैक्ट आया दोनों शहरों में। ये बात के वायरस का कोई अलग अलग DNA है ये किसी आंकड़े से प्रमाणित नहीं होती, ना केवल इंदौर भोपाल के कॉन्टेक्स्ट में बट पूरी दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में। अभी तक दुनिया में कहीं से भी ये रिपोर्ट भी नहीं है कि DNA म्यूटेट हो गया है वायरस का या उसमें कोई चेंज हो गया है। इट इज़ द सेम ट्रेंड, सेम वायरस। मूल बात यह है कि वायरस का वायरल लोड कितना है कम्युनिटी में, मतलब कितना उसका स्प्रेड है। सही बात यह है कि इंदौर में शुरुआती दिनों में वायरल लोड बहुत ज़्यादा था, कंजस्टेड एरिया में उसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा था, और मैं इंदौर को वाकई बधाई देना चाहता हूँ कि जितनी मेहनत से और जितने भी कष्ट से कि इंदौर ने उसको झेला, उसको संभाल लिया, ये अपने आप में आश्चर्यजनक है और एक सक्सेस स्टोरी है। अगर आप तुलना करोगे बॉम्बे या अहमदाबाद शहरों से जहाँ वायरल लोड इतना था तो राइज ऑफ केसेस इतना फिनोमिनल था कि उनके लिए संभालना बहुत बड़ा मुश्किल काम था। तो इंदौर की जनता ने तो जितने भी उन्होंने कष्ट भोगे हों, मैं अभी भी कहूँगा कि उन्होंने उस वायरल लोड को मैनेज करने में बहुत ही अच्छा काम किया। पीछे से कोई सोचे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।